मैं बलराम सैनी उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर महवा से है। विषय विज्ञान अध्याय 2 धातु और अधातु। प्रकरण है धातुओं के उपयोग और अधातुओं के उपयोग। तो धातुओं के हम उपयोग पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने रासायनिक गुणधर्म पढ़ाए थे, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं धातुओं के उपयोग। सबसे पहला उपयोग है, धातुओं का उपयोग हम भोजन पकाने के बर्तनों में किया जाता है, क्योंकि धातुएं होती हैं वह ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। दूसरा उपयोग है, तांबे का उपयोग बिजली के उपकरणों में रेडियो फ्रिज विद्युत वाहक तार के रूप में किया जाता है। सोना चांदी तथा टिन, इन धातुओं का उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। पारा जो धातु होती है, इसका जो प्रतीक होता है वह होता है HG। इस धातु का हम जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग होता है तापमापी में, यानी थर्मामीटर में किया जाता है। अगला उपयोग है, वह घरों में वर्षा व धूप से बचाव के लिए हम लोहे तथा एल्यूमिनियम की चद्दरों का उपयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है। अगला जो उपयोग है वह सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड, यानी सामान्य नमक, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा आदि यौगिकों का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। इसी प्रकार हम अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। अधातुओं का पहला उपयोग है गंधक यानी सल्फर का हम उपयोग अम्ल औषधियां तथा बारूद बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार अगली अधातु है वह है लाल फास्फोरस, इसका उपयोग हम दिया सलाई पटाखों एवं जंतुनाशकों में किया जाता है। इसी प्रकार अगली अधातु है, उसका नाम है ग्रेफाइट, इसका उपयोग ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। आपको धातु और अधातु के उपयोग समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार हमारा जो अगला बिंदु है वो है उत्कृष्ट धातुएं। सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे कि उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं। ऐसी धातुएं जिन पर वायु जल अम्ल क्षारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ये धातु हैं, इनके साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। सोने की शुद्धता मापने की जो इकाई होती है वह कैरेट होती है, कैरेट। सभी भैया बहन ध्यान देंगे इस बिंदु को कि जो शुद्ध सोना होता है उसकी जो इकाई नापते हैं उसे कैरेट कहते हैं, और 24 कैरेट सोना होता है वह एकदम प्योर होता है, यानी सिद्ध होता है। अगला हमारा जो लास्ट इसका बिंदु है इस पाठ का धातु और अधातुओं में, वह है मिश्र धातु। सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे, मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित तो समझाइए। तो प्रश्न आ गया है इस प्रकार के, मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसका उदाहरण है कांसा पीतल और स्टेनलेस स्टील। मिश्र धातु से जो भी सामग्री या वस्तु
या आभूषण बनाए जाते हैं उनमें जंग नहीं लगती है, क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। यह पाठ समाप्त हो गया है। सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पुनः देखें एक दो बार और आपके ये समझ में आ जाएगा। हम कल आपको अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न आंसर करवाएंगे।